ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये प्लान iOS यूजर के लिए ही शुरू किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में की गई है, तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने कर्मचारियों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यह मेरी ही गलती थी जो मैंने कंपनी को बहुत कम समय में बड़ा बना दिया। मैं मानता हूँ कि कई लोग मुझसे नाराज है, मेरे कारण आप सब ऐसी स्थिति में है। ट्विटर में काम करने वाले पूर्व और वर्तमान के लोग मजबूत और प्रतिभावान हैं। वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। जैक डोर्सी ने लिखा कि मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने कभी ट्विटर के लिए काम किया। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर लगभग 7,500 कर्मचारियों में से 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ट्विटर के नए मालिक ने ब्लू टिक की कीमत $8 यानी कि करीब 661 रुपए प्रति महीने रखी है। हालांकि अलग अलग देशों में इसका चार्ज अलग होगा। भारत में इसकी कीमत क्या होगी इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एलन मस्क ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि अब कोई भी पेमेंट करके ब्लू टिक ले सकते हैं। ब्लू टिक लेने पर यूजर को क्या फायदा मिलेगा? पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले को 5 तरह की सुविधाएं मिलेगी। रिप्लाई, मेंशन, सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी, लंबे वीडियो और ऑडियो को पोस्ट कर सकेंगे, नॉर्मल यूजर के मुकाबले आधे एड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फीचर की वजह से स्पैम पर लगाम लगेगी। अगर पब्लिशर ट्विटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे ब्लू टिक सब्सक्राइबर पेड आर्टिकल भी फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आइए इस मामले में 4 सवालों को समझते हैं। अभी ब्लू टिक कैसे मिलता है? अभी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। यूज़र को कंपनी की तय प्रोसेस के बाद में ब्लू टिक दे दिया जाता है। जिस भी यूज़र की प्रोफाइल पर यह टिक होता है उसका मतलब यह है कि यह अकाउंट वेरीफाइड है। अब क्या बदलने वाला है? ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए यूज़र को सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इसके लिए हर महीने तकरीबन 661 रुपये यानी कि $8 देने होंगे। हालांकि पेड सर्विस कब से लागू होगी अभी इसकी तारीख तय नहीं है। सभी देशों में फीस बराबर होगी? एलन मस्क ने कहा है कि फीस सभी देशों में अलग अलग हो सकती है। फीस उस देश की परचेसिंग पावर और कैपेसिटी पर निर्भर रहेगी। भारत में ये कितनी होगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हस्तियों की प्रोफाइल पर होगा खास सेकेंडरी टैग। जो पब्लिक फिगर है यानी कि नेता और अभिनेता जैसी हस्तियाँ, उन्हें प्रोफाइल पर सेकेंडरी टैग भी मिलेगा। ये सेकेंडरी टैग अभी कुछ देशों में ही मिलता है। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के ट्विटर अकाउंट पर देखा जा सकता है। उनके नाम के नीचे सेकेंडरी टैग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है। अभी भारत में ये टैग नहीं मिलता। ट्विटर फिलहाल वेरिफिकेशन प्रोसेस को नया रूप देने पर काम कर रहा है। ट्विटर के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को इस फीचर को लॉन्च करने के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अभी कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू विज्ञापन से आता है, लेकिन मस्क कंपनी के कुल रेवेन्यू का आधा हिस्सा सब्सक्रिप्शन से लाना चाहते हैं।